सब्सक्राइब करिए टेक्निकल झाजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुप कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल झाजी। दोस्तों, ये जो पीछे फ्लैग देख रहे हैं ना आप, ये हमारे इंडिया का प्रतीक है, ये हमारे इंडिया का राष्ट्र ध्वज है। और दोस्तों, ये जो फ्लैग लहरा रहा है ये मैंने ब्लेंडर में बनाया है। दोस्तों, 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त पे हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है, हमारे देश के लिए भी और अपने लिए भी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ्लैग बनाना सिखाऊंगा ब्लेंडर के अंदर। MJO के इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपना इंडियन फ्लैग बना सकते हैं इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में, और कैसे आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, और आप इसको एनिमेट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करके 15 अगस्त पे कुछ एक बहुत बढ़िया पेट्रियोटिक वीडियो बना सकते हैं और उसको यूट्यूब पे अच्छा खासा व्यूज पा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आइए सीख लेते हैं जो ये हमारा इंडिया का फ्लैग है वो ब्लेंडर में हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको दो तरीकों से फ्लैग बनाना बताने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये डिस्प्ले यहाँ से, ताकि आपको जो भी मैं बटन प्रेस करूँ वो आपको दिखता रहे यहाँ पे। तो पहला तरीका है जिससे मैं बनाऊंगा वो है प्लेन से, सिंपल प्लेन से बनाऊंगा। तो दूसरा तरीका है कि मैं कोई इमेज लूंगा डाउनलोड करके और उस इमेज से बनाऊंगा। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आपको दोनों ही तरीके पसंद आएंगे। और चलिए, तो पहले प्लेन से बना लेते हैं। तो मैं पहले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है उसे डिलीट कर रहा हूँ, जिसकी मुझे नीड नहीं है। मैं यहाँ से व्यू से, क्योंकि मेरे यहाँ पे बटन हॉट कीज काम नहीं करते, तो मैं व्यू ऐसे ही जाऊंगा। तो व्यू से मैं फ्रंट ले रहा हूँ, फ्रंट लेके अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ कर्सर, ठीक है। अब मैं एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैस में प्लेन ले लिया। इस प्लेन को आप रोटेट कर लीजिए RX90, एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में पहले बड़ा करेंगे थोड़ा, इतना तक ठीक है। अब इसको थोड़ा जेड डायरेक्शन में बड़ा करेंगे, यस, ये प्लेन हमारा बराबर हो गया। अब हम एडिट मोड पे जाएंगे। एडिट मोड पे जाने के बाद आप इस पे W दबाइए, सब डिवाइड करिए इसको। सब डिवाइड करना है कम से कम इसको 25 उसमें सेक्शंस में सब डिवाइड कर लीजिए। ये सब डिवाइड होने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ से ये सबसे आखिरी वाला जो है एक क्लोज सिमुलेशन के लिए है, जिसको क्लिक करना है, वहाँ से क्लोज सेलेक्ट करना है। क्लोज में यहाँ से जाके सिर्फ सेलेक्ट करना है। सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मैश के अंदर 0.007 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 0.007 सेलेक्ट हो गया। एयर जो एयर है इसको करना है 0.1। आप अपनी तरफ से कुछ परमिटेशन कम्बिनेशन लगा सकते हैं, आपको मतलब एक्सपेरिमेंट करिए वैल्यूज पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे जो वैल्यूज मैं यहाँ डाल रहा हूँ उससे परफेक्ट एक फ्लैग का लुक आएगा और फ्लैग की तरह मूव करेगा, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। इसके बाद जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद आप एक काम कीजिए, वेट पेंट मोड में जाइए, यहाँ से एक दोनों कोना सेलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होता है दोनों कोने को थोड़ा कलर कर दिया, ताकि इसे लगेगा जब आप इसमें एक रॉड बांधोगे ना तो लगेगा कुछ बंधा हुआ है, इसलिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड पे जाइए। अब यहाँ से जो है पिनिंग सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ग्रुप में जाइए। ग्रुप जाने से क्या होगा, ये नीचे फॉल होता है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है फॉल होता चला जाता है। ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो एक ही जगह पे ये चलता रहेगा। इसके बाद क्लोज कॉलिजन में सेल्फ कॉलिजन दबाइए। तो आप प्ले करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये देखो तो ये इसका ये हाल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो चीजें। पहली तो ये जो है ना अजीब सा लग रहा है, इसको स्मूथ कर दोगे यहाँ से तो एकदम स्मूथ हो जाएगा, पहला काम ये करना है। दूसरा काम, यहाँ पे हमें हवा देना है, विंड देना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पोजिशन में इसको ले गए हम, एक शिफ्ट ए दबा के यहाँ से आप देखिएगा फोर स्पीड में जाके विंड आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे सीधे रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री में। मैंने रोटेट कर लिया R90 दबा के, इसे थोड़ा सा फ्लैग के पास रख दिया। अब मैं यहाँ से अगर मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए अभी भी ये मतलब जो होता है एक मतलब फ्लैग वैसा नहीं ये कर रहा है काम, क्योंकि ये इसलिए नहीं कर रहा है कि जो विंड का स्ट्रेंथ है ना वो बहुत कम है। तो
तो हम क्या करते हैं अभी विंड के स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये जो स्ट्रेंथ है विंड का, यहाँ पे आप क्या करिए, ये 280 कर दीजिए, नॉइस को 3 और ये फ्लो को भी 3 कर लीजिए। जब ये कर लेंगे तो आपको बिल्कुल एक फ्लैग की तरह ही चलेगा। मैं आपको अब प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखिए एकदम फिट फ्लैग की तरह चल रहा है। अभी क्या करना है आपको, इसके बाद थोड़ा सा इसको पहले बंद कर देते हैं, टॉप व्यू पे चला जाता हूं मैं। तो ये जो विंड है ना, इसको थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं थोड़े से ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर को एक लुक दे अच्छा वाला। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। फ्रंट कहाँ गया, फ्रंट व्यू आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे प्ले करूंगा ना मैं, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली फ्लैग की तरह रोटेट कर रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इसकी एक पोल बनाते हैं। पोल बनाते हैं मतलब जो जो रॉड, जो डंडा, जो भी खेलिए आप, जिसमें फ्लैग बंधा होता है। सबसे पहले एनिमेशन को स्टॉप करते हैं, फ्रंट पोजीशन पे ले जाते हैं और यहीं से शिफ्ट ए से हम मैस में जाके एक सिलेंडर ले लेंगे। इस सिलेंडर को एक रॉड की तरह शेप ला देंगे। तो पहले तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन पे, जेड डायरेक्शन पे इसे लंबा कर लेते हैं, उसका एस से इसको एकदम ला कर लेते हैं छोटा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, इसके साथ थोड़ा से हम बड़ा कर लेते हैं और ये एडजस्ट कर लेते हैं, एकदम एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, फ्लैग को पकड़िए। फ्लैग को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से करिए कॉपी लोकेशन और यहाँ पे, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्या है ये रॉड। उसके बाद आप इस रॉड को पकड़िए, यहाँ से सेट ओरिजिन पे जाके ओरिजिन टू 3D कर्सर कर दीजिए। थोड़ा सा इधर हो गया, तो हम बैक चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। यहाँ से आप ये जो सिलेक्टर है ना, इसे थोड़ा सा यहाँ कीजिए, अब ठीक है। अब आप करिए इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ से तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि जो ये जो चीज है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसको इसके साथ यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी जाके ये यहीं आएगी। वो जहाँ आएगा 3D करता रहे वो, तो इसको अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये फ्लैग मूव करके यहाँ आ जाएगा, इसको जहाँ रख दूंगा वहाँ आ जाएगा। तो मुझे यहीं तो वापस लाना फ्लैग को, क्योंकि तो मैं फ्लैग को यहीं रखता हूँ, ठीक है। और इसको हमने इसके साथ बाइंड कर दिया वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर देता हूँ आपको। यहाँ से इसको मैंने बाइंड कर दी, उसके बाद इसको फिर से पकड़ लिया पोल को और यहाँ पे देखिए। अब जब ये फ्लैग रन करेगा तो आपको दिखेगा कि आप पोल के साथ आपका फ्लैग दौड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिंपल प्लेन है जिसे मैंने बनाया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किसी इमेज को लेके हम इसको बना सकते हैं। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार हम एक इमेज से बनाएंगे। उस समय हम एक सिंपल प्लेन से बनाए थे, इस बार इमेज से बनाएंगे। ये एक इमेज है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, एक इंडियन फ्लैग का इमेज। आप कोई भी फ्लैग यूज कर सकते हैं, ये आई एम एन इंडियन, सो आई विल और डेफिनेटली यूज इंडियन फ्लैग। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस समय जो पहले तो मैं इसको कर्सर को यहाँ रखता हूँ, उसके बाद जो हमने शिफ्ट ए के मैच से हमने प्लेन लिया था, इस बार प्लेन के बदले इमेज एज प्लेन लूंगा, इमेज एज प्लेन लूंगा और इमेज सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे है। ये मेरा इमेज है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको वही, बाकी सारा प्रोसीजर सही है, सेम है, बस वही एक इमेज एज प्लेन लेना है आपको। मैं स्पीड में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ये आ गया, ये फ्लैग आ गया हमारा, ठीक है, ये फ्लैग है। अगर आपको देखना है तो मैं इसको मटेरियल वाले टैब में दिखा सकता हूँ, ये दिख नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट ए, मैं यहाँ पे एक लैंप ले लेता हूँ, लैंप लेने से देखिए आपको दिख गया। ये इसको थोड़ा सा लैम्प को ऊपर और थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि सेट रहे। तो ये देखिए, ये आपको दिख गया, ओके, लैम्प को मैं साइड कर दी। मैं इधर रख देता हूँ लैम्प को ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो ये मेरा फ्लैग है, देखिए, ठीक है। अब इस फ्लैग को हम, ये एक इमेज है, इसको हम वैसे ही करके एनिमेट करवाएंगे। पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एडिट मोड पे जाएंगे। एडिट मोड पे जाके W दबाइए, सब डिवाइड कीजिए, इसको 25 पार्ट कर लीजिए। ये कर लिया, ये करने के बाद आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद क्लोथ सेलेक्ट कीजिए, क्लोथ में जाके आप सिल्क सेलेक्ट कीजिए, जो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें सेलेक्टेड मिलेंगी मुझे। अब हम मास जो है, मास को सेलेक्ट करना है मुझे, वो है 0.007, एयर को सेलेक्ट करना है 0.1,
उसके बाद पिनिंग करनी है, पिनिंग में ग्रुप पे जाना है, ओके। उसके बाद एक्चुअली हमको क्या करना है, वेट पेंट मोड पे जाना है, कॉर्नर सेलेक्ट करनी है दोनों। कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट मोड पे जाके यहाँ पिनिंग से ग्रुप लेना है। ग्रुप लेने के बाद यहाँ पे क्लोथ में सेल्फ क्लोथ कोलिजन में सेल्फ कोलिजन लेना है। ये लेने के बाद अब हम विंड यहाँ पे विंड लाएंगे। ये अभी कुछ नहीं होगा इसमें, आपको देखोगे तो कुछ नहीं चल रहा, कोई एनिमेशन नहीं है, ठीक है, ये गिर जाएगा नीचे अभी। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ विंड लाते हैं ताकि ये गिरे ना। तो विंड लाने के लिए हम फिर से यहीं पे मैस दबाएं, शिफ्ट ए दबा के मैस फोर्स फील्ड पे जाके विंड लेते हैं। विंड लेके इसको आर 90 पे रोटेट कर लिया, इसको थोड़ा पीछे कर लिया, थोड़ा इसको साइज बड़ा कर लिया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। स्ट्रेंथ हमारा ये है, इसकी नॉइस 3। आप अपने एंड से कुछ और ट्राई कर सकते हैं, देखिएगा, परम्यूटेशन कमीशन करिएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ये करने के बाद अब आप देखिए, प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको दिखेगा। अच्छा, अब ये एनिमेट तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हो कि एक अजीब सा ऑड सा कुछ इसमें, मतलब स्मूथ नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ सेलेक्ट करना है अपने इस पे, और इस पे कर देना है स्मूथ। ये देखिए पूरा फुल स्मूथ हो गया। तो ये हमारा फ्लैग आ गया। अब मैं एक और काम करूँगा, जैसे उसमें किया था कि हम इसको टॉप मोड पे जाते हैं। टॉप मोड पे जाने के बाद इसका जो हमारा ये है विंड, विंड को थोड़ा रोटेट करते हैं इधर, ठीक है, स्लैंट करते हैं ताकि हमारा और सही से ये फ्लैग एनिमेट करे। अब चलाते हैं, ये देखिए ये फ्लैग एक मस्त एनिमेशन दिखा रहा है। अभी होने के बाद अब हम एक काम करते हैं, हम पोल लगाते हैं यहाँ पे। तो पोल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट ए यहाँ पे क्यू सॉरी सिलेंडर माय मिस्टेक शिफ्ट ए मैस पे जाके सिलेंडर, सिलेंडर आ गया है। इसको एस दबा के एस जेड डायरेक्शन में ले लीजिए, और जितना बड़ा लेना है ले लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको शेप में लाइए और साइज बड़ा करते हैं। ये हो गया साइज बड़ा, और शेप में लाते हैं इसको। इसको इसके साथ पहले तो इसकी इस पोजिशन एकदम वो कर दे रहे हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो इसके लिए फ्लैग को सेलेक्ट करके यहाँ जाएंगे, यहाँ से ऐड, ऐड में कॉपी लोकेशन, लोकेशन में आपको यहाँ से ये रॉड सेलेक्ट कर लिया। रॉड सेलेक्ट करने के बाद आपको रॉड को फिर से सेलेक्ट करना है, सेट ओरिजिन, ओरिजिन में ओरिजिन टू 3D कर्सर, ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है, यहाँ आ गया। अब जब इसको एनिमेट करोगे तो आपको दिखेगा इसके साथ आपको ये रोटेट होता दिखेगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये फ्लैग बनाना। और अभी क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और आप लोगों को अभी वीडियो बनाने हैं, तो मे भी ये जो ट्यूटोरियल है आपको हेल्पफुल हो सके, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लेंडर का ये फ्लैग बनाने वाला जो ट्यूटोरियल है वो अच्छा लगा होगा, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ब्लेंडर के अंदर फ्लैग बना सकते हैं। दोस्तों, आप फ्लैग बनाइए, एक अच्छा वीडियो बनाइए उस पे, और अच्छे खासे पैसे कमाइए, नाम कमाइए। दोस्तों, इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है इसी तरीके के कुछ नए ट्यूटोरियल का आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी इसी टाइप का कोई ट्यूटोरियल लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।